पुलवामा पुलिस को पिछले वीक से लगातार खबर आ रहा था कि मिलिटेंट्स जैश मोहम्मद और एचएम मिलकर एक सुसाइडल अटैक करने वाला है और एक सेंट्रो कार लिया है, उसमें आईडी भर के एनी टाइम अटैक कर सकता है। कल दिन में और मैच्योर हो गया था और उसको डेवलप करके कल शाम में पुलवामा पुलिस ने आर्मी, सीआरपीएफ और एसओजी पार्टी का डिफेंट नाका लगाया और आए गुण में जब उसी गाड़ी में जिसका खबर था जब नाका पार्टी के पास आया तो हमारे फोर्स ने वार्निंग फायर दिया। वार्निंग फायर करने के बावजूद मिलिटेंट गाड़ी घुमा के वहाँ से भागा। अगला नाका पार्टी भी उस पर फायरिंग किया, वार्निंग फायरिंग किया तो उस जगह मिलिटेंट क्योंकि अंधेरा था गाड़ी को छोड़ के वहाँ से भाग गया। हमारी पार्टी दूर से लाइट से देखा तो सस्पिशियस लगा और जब गाड़ी का सेम नंबर मिला जिसको एक्सपेक्टेड कर रहे थे हम लोग तो कॉर्डन को टाइट कर दिया और फर्स्ट लाइट का वेट करा और आज मॉर्निंग में अपना बीडी स्क्वाड गया। जब उसने देखा कि इसमें आईडी एक्सप्लोसिव लोडेड व्हीकल है तो हमारी टीम वहाँ जाके उसमें आर्मी सीआरपी पुलिस की टीम जाके उसको पूरे टेक्निकल ढंग से उसको डिफ्यूज किया और इस ढंग से पुलवामा पुलिस ने सिक्योरिटी फोर्स के मदद से इस बहुत बड़े हादसा होने से रोक लिया। मैं पुलिस को और पैरामिलिट्री सीआरपीएफ को आर्मी को बधाई देता हूँ कि सबों ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया है।